हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। हम कर रहे हैं मैथ्स पैडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हमारा टारगेट है मैथ्स पैडागोजी में 15 में से 15 मार्क्स लाना। ओके, तो उसके लिए हमने 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की हुई है, जो आज हमारी 8th क्लास है। ओके, तो अगर जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीएफ 2005 रेफर्स टू, मींस क्या है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। ओके, मैथमेटिक्स में टॉल शेप क्या है, जाने के मैथमेटिक्स का लंबा आकार क्या है, ये हमें देखना है। ऑप्शंस पे आते हैं, क्या है हमारी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम, मींस जो चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं उनका समाधान करना। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग मैथ्स गेम्स, मींस मैथ्स गेम है उनको क्रिएट करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मींस क्या है अनुभव प्रदान करना बच्चों को, जाने के उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज देना। ओके, लास्ट है हमारा बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अदर, मींस क्या है जो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स है उसका मेन मोटिव क्या है, बिल्ड करना एक दूसरे से कॉन्सेप्ट्स को, मींस जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मैथमेटिक्स के उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना, उनको बिल्ड करना। जैसे हमारी बिल्डिंग होती है ना ऐसे, तो वो कैसे लंबी होती है हमारी बिल्डिंग, अगर वो एक दूसरे पे निर्भर, मींस एक दूसरे से बनाई जाती है। ओके, तो ऐसे ही अगर जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, अगर हम उनको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और कनेक्ट करेंगे तो वो बिल्ड होते जाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। यही हमारा आंसर है, जाने के डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटीज फॉर मैथमेटिजेशन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, हेयर मैथमेटाइजेशन रेफर्स टू डेवेल्प चाइल्ड्स एबिलिटी, मीन्स क्या है अकॉर्डिंग, मीन्स एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मेन गोल क्या है उसका मैथमेटिक्स एजुकेशन का, मीन्स मैथमेटाइजेशन मीन्स जो बच्चे हैं उनमें एबिलिटीज को डेवेल्प करना मैथमेटाइजेशन की। ओके, एंड जो नैरो एम है मैथमेटिक्स का उसका भी विकास करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है जो मैथमेटाइजेशन है उससे बच्चों की क्षमताओं का विकास कैसे होता है, ये हमें देखना है। ओके, ऑप्शंस पे आते हैं, हमारी ऑप्शंस क्या है, इन परफॉर्मिंग ऑल नंबर्स ऑपरेशंस एफिशिएंसी इंक्लूडिंग ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मींस क्या है अगर बच्चों को स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड करना आ जाएगा तो क्या उनपे मैथमेटिक्स डिवेल्प हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जस्ट इनसे करने से ये नहीं है कि उनको सब कुछ आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, टू फॉर्मुलेट थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ्स इंडिपेंडेंटली, मींस क्या है बच्चे जो थ्योरम्स को खुद से फॉर्मुलेट कर लें और उनके प्रूफ्स को अपने आप कर लें, ये भी नहीं होगा हमारा। टू ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम्स इन टू लीनियर इक्वेशंस, मींस क्या है गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप द चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, टू परस्यू अजम्पशंस टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो हमारा यही सही आंसर है, जाने के डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे मैथमेटिजेशन है उसका वो कैसे विकसित हो सकता है, ये हमें देखना था। तो ये कैसे होगा, बिकॉज जो चाइल्ड है उसकी अगर थिंकिंग मीन्स तर्कशील होगी, ओके, नेक्स्ट क्या है अगर उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, ओके, अगर वो लॉजिकली सोच सकेगा और कंक्लूजन फाइंड कर सकेगा, नेक्स्ट वो कोई भी परिस्थिति आती है मैथमेटिक्स की तो उसको हैंडल कर सकेगा। ओके, तो यही बेस्ट ऑप्शन है, डी आंसर इज करेक्ट। रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर द ज्योमेट्री लेसन ऑन पॉइंट्स एंड लाइंस इन क्लास फोर्थ शैल बी, मीन्स क्या है जो क्लास फोर्थ है उसमें जो ज्योमेट्री लेसन है उनमें जो पॉइंट्स एंड लाइंस हैं उनको असेसमेंट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा हमें ये देखना है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं गिवन, किस आधार पर असेसमेंट किया जाएगा हमें ये देखना है। क्या है फर्स्ट ऑप्शन, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट अ मार्क एंड पॉइंट, ओके, कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैन मेजर द लाइन इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस एक्यूरेटली, कैन नेम द लाइन, मीन्स क्या है वो मेजर कर सके लाइन को सेंटीमीटर में एंड
इंचेस में ओके एक्यूरेटली एंड उनका जो लाइन का नाम है वो बता सके ओके. नेक्स्ट क्या कर सके, वो कैन मेजर द लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस एक्यूरेटली एंड कैन मार्क एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट. मींस वो क्या कर सके, लाइन सेगमेंट को सेंटीमीटर एंड इंचेस में एक्यूरेटली बता पाए और जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी वो मेंशन कर सके ओके. नेक्स्ट क्या है, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट एंड कैन डिफाइन देम. मींस क्या है, वो डिफरेंशिएट कर सके किस किस को, लाइन को, रे को एंड लाइन सेगमेंट को ओके. तो उनको डिफाइन कर सके, तो हमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन. मींस फोर्थ क्लास के बच्चे क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है. तो ऑप्शन ए है हमारी करेक्ट, जाने के वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको, लाइन एंड लाइन सेगमेंट को ओके. नेक्स्ट क्या है, वो मार्क कर सकते हैं पॉइंट्स को एंड अगर उनको बोला जाए लाइन ड्रॉ करने के लिए तो वो एक्यूरेटली उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी लेंथ को बता सकते हैं. जैसे फोर्थ क्लास के बच्चों को आप बोलोगे कि 5 इंच 6 इंच कितने भी इंच की आप बोलोगे लाइन ड्रॉ करने के लिए तो वो उसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं ओके. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जाने के हॉर्स बेस्ड क्वेश्चन डिमांड द. मीन्स जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, हॉर्ट्स के क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ पे निर्धारित हैं, क्या हैं, ये हमें जानना है ओके. तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारी नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रूल्स एंड फॉर्मूलाज. मीन्स जो हमारे नॉलेज किसका ज्ञान है, ये फैक्ट्स का, रूल्स का या फॉर्मूलाज का. नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एलॉगरिथम, मीन्स एलॉगरिथम का ज्ञान होना. नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉलेज ऑफ सिम्बल्स एंड डायग्राम्स, इनका ज्ञान होना. नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारा नॉलेज एंड सम डिग्री ऑफ कॉग्निटिव एफर्ट्स. ये हमारा सही है, जाने के डी ऑप्शन इज करेक्ट. कैसे है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है हमारे वो नॉर्मल क्वेश्चंस से एक लेवल ऊपर होते हैं ओके. तो ये क्या है, अगर उनमें हमारी सिंपल थिंकिंग यूज होती है नॉर्मल क्वेश्चंस में तो इसमें क्या है, कॉग्निटिव एफर्ट्स लगते हैं हमारे ओके. तो नॉलेज एंड सम डिग्री ऑफ कॉग्निटिव एफर्ट्स की यहाँ पे ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है ओके. तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉट वेस्ट क्वेश्चंस, यही हमारा आंसर है. फिफ्थ क्वेश्चन, अ चाइल्ड ऑफ क्लास थर्ड रीड्स 482 एज 482 व्हाट राइट्स इट एज 40082 व्हाट डज दिस इंडिकेट फॉर अ टीचर. मींस क्या है, एक क्लास थर्ड क्लास का बच्चा है ओके. वो क्या 482 को कैसे रीड करता है, 482 मींस वो रीड कर रहा है, उसको करेक्ट रीड कर रहा है ओके ऐसे. लेकिन जब वो राइट करता है उसको तो उसमें क्या डाल देता है, 2 जीरोस को ऐड कर देता है. मींस 400 है तो वो 400 अलग से लिख देता है और 82 को अलग से. मींस जो राइट कर रहा है वो रॉन्ग राइट कर रहा है ओके. तो ये है हमारा क्या है, व्हाट डज दिस इंडिकेट फॉर अ टीचर. मींस ये एक टीचर के लिए क्या संकेत देता है, हमें ये देखना है ओके. तो क्या है हमारी ऑप्शंस पे चलते हैं, टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू व्हेन द चिल्ड्रन आर एबल टू राइट नंबर्स करेक्टली. मींस क्या है यहाँ पे, टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ओके. प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है जो जब बच्चों को सही ढंग से संख्या लिखने के में सक्षम होना चाहिए ओके. तो शिक्षक को स्थान मूल्य की अवधारणा सिखानी चाहिए ओके. ये नहीं है. नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास एंड इज अ केयरलेस लिसनर. मीन्स यहाँ पे बच्चे को बोला जाता है कि वो केयरलेस लिसनर है, ऐसा हमने कभी नहीं बोलना. मीन्स बच्चे को गलत हमने रॉन्ग कभी नहीं ठहराना ओके. तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड इज अ केयरफुल लिसनर बट हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड सेंस ऑफ प्लेस वैल्यू. मीन्स क्या है, बच्चा एक केयरफुल लिसनर है लेकिन उसको क्या है, प्लेस वैल्यू की सेंस नहीं है ओके. अगर उसको प्लेस वैल्यू की सेंस नहीं होती तो वो पढ़ता भी रॉन्ग उसको ओके. तो बिल्कुल उसने रॉन्ग लिखना था यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है हमारा, चाइल्ड इज कंफ्यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन शॉर्ट फॉर्म. मीन्स बच्चा क्या है, कंफ्यूज है किसको लेकर, हमारा यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म को लेकर कंफ्यूज है, इसलिए उसने क्या किया, इसको रॉन्ग राइट किया. यही हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड गिव द प्रोडक्ट 24. मीन्स ऐसे कौन से टू नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा ओके. तो ये बच्चों के लिए ऐसा क्वेश्चन अगर करते हैं तो बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, हमें ये देखना है ओके.
ऑप्शंस भी आते हैं क्या. हमारी फर्स्ट ऑप्शन हेल्प्स द चाइल्ड टू थिंक मेटाकॉग्निटिवली. नेक्स्ट है हमारा इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्या है ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं. ओके इट हैज मोर देन वन आंसर जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं. नेक्स्ट क्या है इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एज इट हैज डिफाइंड नंबर्स ऑफ आंसर्स. ओके नेक्स्ट क्या है सुजेस्ट्स जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी टू द चाइल्ड सो दैट ही शी कैन आंसर करेक्टली. मीन्स ये क्या है बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है जिसका बिल्कुल आंसर बच्चे सही बताएंगे. ओके ऐसा नहीं होगा. तो हमें देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे हम इनको टू नंबर्स हैं हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करेंगे. किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 6 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा. ओके 4 × 6 को करेंगे 12 × 2 को करेंगे. ओके तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी हमारे पास. ओके तो इससे बच्चे की थिंकिंग लगेगी वो सोचेगा कैसे आएंगे. तो ओपन एंडेड थिंकिंग यहाँ पे यूज होगी जाने के लिए. ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये. ओके इसको हम क्या बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलेंगे. यहाँ पे बच्चों की क्या लगेगी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी. ओके जाने बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन द एनसीएफ 2005 कंसीडर्स दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग द विजन कैन बी रियलाइज. ओके तो मीन्स क्या है एनसीएफ 2005 का क्या मानना है कि जो मैथमेटिक्स है उसका सोच और तर्कशील का एक निश्चित तरीका उसमें क्या शामिल है. ओके ये हमें देखना है ये किस विजन को महसूस इसमें किस विजन को महसूस किया जा सकता है. ओके तो ऑप्शंस पे आते हैं हमारा फर्स्ट क्या है गिविंग स्पेशल कोचिंग ऑफ स्टूडेंट्स मींस बच्चों को स्पेशल कोचिंग दी जाए. नेक्स्ट क्या है अडॉप्टिंग एक्सप्लोरेटिव अप्रोच यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन डिस्कशन. ओके नेक्स्ट है हमारा रीराइटिंग ऑल टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स क्या है सभी जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनको रीराइट किया जाए. ओके नेक्स्ट है हमारा गिविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर्कशीट टू स्टूडेंट्स मीन्स बच्चों को बहुत सारी समस्याएं दी जाए सॉल्व करने के लिए वर्कशीट पे. ओके तो क्या है हमारा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है. कैसे कि यहाँ पे क्या है कैसे मैथमेटिक्स में बच्चे डिवेल्प कर सकते हैं जैसे कि अडॉप्ट किया जाए अगर यहाँ पे एक्सप्लोरेटिव अप्रोच को तो और क्या यूज कर सकते हैं जोड़ तोड़ को उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से. ओके तो उनसे उनकी नॉलेज गेन होगी. नेक्स्ट क्या है इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन डिस्कशन मीन्स जहाँ पे भी कोई डिस्कशन होती है तो बच्चों को वहां पे इन्वॉल्व किया जाएगा तो उनकी थिंकिंग क्या होगी एक्सप्लोर होगी उससे. ओके तो बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन अ टीचर यूजेस द फॉलोइंग रिडल इन अ क्लास व्हाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू. तो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आई एम लेस देन 8 टेंस एंड 4 वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज मीन्स क्या है एक टीचर है जो बच्चों को क्या करवा रहा है डेवलप करवा रहा है कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट बेस एंड प्लेस वैल्यू के. ओके उसके लिए उन्होंने क्या दिया बच्चों को एक एक्टिविटी दी आई एम लेस देन 8 टेंस एंड 4 वंस. ओके इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी दी तो हम देखेंगे जो एक्टिविटी दी है उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पे. ओके हमें ये चेक करना है. ऑप्शंस देखते हैं हमारे टू हैव सम फन इन द क्लास एंड ब्रेक मोनोटोनी मीन्स क्या फन करने के लिए क्लास में बच्चों को इसलिए एक्टिविटी दी. नेक्स्ट क्या है टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट है हमारा टू डू समेटिव असेसमेंट मीन्स समेटिव असेसमेंट मूल्यांकन करने के लिए दी. नेक्स्ट क्या है टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस टू द स्टूडेंट्स मीन्स बच्चों को टेंस एंड वंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दी. ओके बच्चों को टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी टीचर ने करवा दिया है इंट्रोड्यूस तो ये तो नहीं होगा. ओके तो यहाँ पे क्या करना है उनको डिवेल्प करवाना है जाने के बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड प्लेस वैल्यू. यहाँ पे दोनों इंक्लूड होने चाहिए दोनों को डिवेल्प करना है टीचर ने. ओके इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स मीन्स यहाँ पे क्या है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ इन्वॉल्व है ये हमें देखना है. ओके ऑप्शंस चेक करते हैं एस्टिमेशन जाने के अनुमान लगाया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्या है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस जाने के
हद से ज्यादा अभ्यास करवाया जाए। नेक्स्ट है यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, यानी कि एक समाधान पर पहुंचने के लिए छोटे छोटे क्लूज का उपयोग किया जाए। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है जो हमारा वो सही आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कैसे है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ओके तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव होगा, वो खुद से अनुमान लगाएगा, सोचेगा, ओके तो उस पर काम करेगा, जाने के एक्टिवली बेस्ड अप्रोच इसको हम बोलेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। The purpose of a diagnostic test in mathematics is, means क्या है मैथमेटिक्स में जो डायग्निक टेस्ट होता है उनका क्या उद्देश्य है, हमें ये जानना है यहाँ पे। ओके, क्या है ऑप्शंस देखते हैं। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, मीन्स जो अंतिम परीक्षा होती है उनके लिए जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसकी योजना बनाना। नेक्स्ट क्या है, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चों की समझ में अंतराल है उनको जानने के लिए। नेक्स्ट है टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, मीन्स बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको फीडबैक देने के लिए। नेक्स्ट है टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, मीन्स जो प्रगति रिपोर्ट है उसको भरने के लिए। ओके, तो हम जानेंगे किसके लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो काम करेगा हमारा। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारी, मीन्स जो बच्चों में गैप है जाने की, उनकी लर्निंग में जो गैप है उसको जानने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए गए हैं। ओके, तो ये क्या है, हम जानते हैं जैसे बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। ओके, तो अगर क्लास में ये काम हो रहा है तो वो बच्चा पीछे क्यों है, उसके कारणों को जाना जाता है और देन उनको रिकवर किया जाता है। ओके, तो हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।